आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके इन हिंदी का पार्ट नंबर एक। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, पार्ट नंबर वन है। पार्ट नंबर वन में काफी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए। पहला क्वेश्चन है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। यहाँ चीतल, बंदर, नीलगाय, लड़क वग्दा आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? आपको इसमें से बताना है इनमें से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका आंसर है बनास। इनमें से बनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी चंबल, बैनगंगा और चित्रा नदी इनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में ही है। बनास नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है। चंबल इंदौर के महो कस्बे से, चंबल जो नदी निकलती है वो इंदौर के महो कस्बे से, और छिप्रा नदी धार में विंध्य श्रेणी से, और बेनगंगा सियोनी सियोनी जिले से सतपुड़ा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मेन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? इसका आंसर है दो। मध्य प्रदेश में स्थित दो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। इसका डिस्क्रिप्शन है, यूनेस्को के अनुसार दुनिया के 120 देशों में 651 अभ्यारण्य है, जिनमें 18 भारत में है। इनमें से 3 मध्य प्रदेश में है, जिनमें से 2 स्कीम में शामिल है। 3 अभ्यारण्य जो कि दुनिया में यूनेस्को से संबंधित है, जो कि 2 स्कीम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर भील। भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है। हड़ौती, गिर्द, महाकोश और नीमर। इसका आंसर हो जाएगा हड़ौती। हड़ौती क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी गिर्द, महाकोशल और नीमर ये मध्य प्रदेश में है। हड़ौती क्षेत्र राजस्थान के बूंदी, कोटा, झलवर जिले में है। गिर्द, महाकोशल, नीमर, मालवा, बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। हमारे पास हड़ौती जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर है मुरैना। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। इसमें डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश में मुरैना शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां 2500 किलोग्राम शहद उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन। मध्य प्रदेश में सरकार की कल्प वृक्ष योजना रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता और कीड़े में प्रजनन के लिए संबंधित है। डिस्क्रिप्शन है, इसमें कल्प वृक्ष योजना रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन से संबंधित है। पवन पुत्र स्कीम में अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए रिक्शा और टेम्पो प्रदान किए जाते हैं। पवन पुत्र स्कीम में कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है? रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन से संबंधित। वसुंधरा स्कीम जो है वो है भूमि ऋण, और माधवन योजना जो है वो दुग्ध और पशु बल से संबंधित है। तो आप इसमें दिया हुए हैं कौन कौन सी योजना है। एक है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष योजना जो है वो रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता और कीड़े में प्रजनन से संबंधित है। पवन पुत्र स्कीम जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय करने के लिए रिक्शा और टेम्पो प्रदान करने के लिए दी जाते हैं। वसुंधरा स्कीम जो है वो भूमि ऋण के लिए, और माधवन योजना जो है वो दुग्ध और पशुपालन से संबंधित है। इसे पूछा जाता है कौन सी योजना किसमें संबंधित है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है 308 लाख हेक्टेयर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका आंसर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। बाकी माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? इसका आंसर है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जबकि गौर बिहार गोवा नागालैंड का राजकीय पशु है। गौर जो है वो बिहार गोवा नागालैंड का राजकीय पशु है। काला हिरण पंजाब हरियाणा और हरियाणा का राजकीय पशु है। इसमें आपको ये बताया गया है कि बारहसिंगा जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, गौर जो होता है वो बिहार गोवा और नागालैंड का राजकीय पशु है, काला हिरण पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है।